अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस लेक्चर 4, फर्स्ट एमसीक्यू। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक रॉड है, लोहे का रॉड है, आयरन रॉड, उसको जब आप हीट करते हैं, कहीं भी फ्लेम के ऊपर रखते हैं, मोमबत्ती के ऊपर एक सिरा उसका जो एक एंड है वो रखते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होते होते दूसरे एंड पर पहुंच जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद पूरी जो आयरन रॉड है वो हीट अप हो जाती है। इस तरह जो हीटिंग प्रोसेस होता है उसको कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स कंडक्शन, ये कंडक्शन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें होती है, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन होता है एंड विदाउट मीडियम रेडिएशन होते हैं। विदाउट मीडियम की एग्जाम्पल है जो सूरज से किरणें आती हैं हमारे तक हीट पहुँचती है, वो रेडिएशन के जरिए पहुंचती है। और लिक्विड और गैसेस की एग्जांपल है कि जब हम चूल्हे पे एक बर्तन को, उसमें बर्तन में पानी डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं, तो उस पानी जो पानी वो हीट अप हो रहा होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इज नोन एज कन्वेक्शन, हमने पहले एमसीक्यूज में पढ़ा। ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम अकर्स इन केस ऑफ रेडिएशन, सूरज वाली एग्जांपल। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट्स इन स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, और चाइना। विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के। अब क्लॉटिंग से के को याद रखना है, साउंड क्लॉटिंग की साउंड के से साउंड मिलती जुलती है, इसी तरह विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग से एसोसिएट करना है आपने पेपर्स में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। द सलाइवा, सलाइवा होता है जो मुंह के अंदर लोआब होता है हमारा, उसको कहते हैं सलाइवा। और सलाइवा जब हम कोई चीज़ खुराक खाते हैं, फूड लेते हैं हम मुंह में, तो वहाँ से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाता है। फूड की डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। क्या वजह है कि मुंह के अंदर जो हम फूड ग्रेन लेते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जब वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा, डाइजेशन का प्रोसेस जो है, तो उस वो सलाइवा क्या हेल्प करते हैं, वो स्टार्च और सिंपल शुगर की ब्रेक डाउन को के लिए ब्रेक डाउन करता है। ड्यू टू एमलेज एक्टिविटी, किस एक्टिविटी की वजह से? सलाइवा में एक एमलेज का प्रोसेस होता है, एमलेज एक्टिविटी की वजह से स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है। गैस यूज्ड इन बनास्पति घी, गैस यूज्ड इन बनास्पति घी इज हाइड्रोजन। द गैस कॉमनली नोन एज लॉफिंग गैस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। लॉफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज सब्सक्राइब दिस चैनल टॉर्च बी।